जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम जानेंगे मशहूर पैरा SF के बारे में। 1965 की लड़ाई के दौरान इन्फेंट्री सोल्जर्स और ऑफिसर्स को मिला के कमांडो फोर्स मेघदूत का गठन हुआ था। मेजर मेघ सिंह के अंडर बनी ये फोर्स क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस करने में काफी कारगर थी। इस युद्ध के बाद डिफेंस फोर्स एवं सरकार ने स्पेशलाइज्ड फोर्स का गठन किया जो कि उन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को पूरा कर सकें जो कि करना मुश्किल हो। पैराशूटिंग एक बहुत जरूरी कमांडो टैक्टिक है, इसी वजह से मेघदूत फोर्स को पैराशूट फोर्स में बदल दिया गया। 1966 में पैराशूट रेजिमेंट के 9th बटालियन के अंडर 9th पैरा SF का निर्माण हुआ। ये भारतीय सेना की पहली स्पेशल ऑप्स यूनिट थी। 10 जुलाई सन 1967 में 10 पैरा SF का निर्माण हुआ जो कि 9 पैरा SF की सिस्टर यूनिट थी। पैरा SF ने पूरे देश को सन 1971 के युद्ध में अपना लोहा मनवा दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, करगिल वॉर और भी कई ऑपरेशंस में, जैसे कि हाल ही के सर्जिकल स्ट्राइक जहां कई POK के टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया था। वर्तमान में कई पैरा SF की रेजिमेंट हैं जिनकी अलग अलग वॉरफेयर फॉर्म में स्पेशलाइजेशन है। 1 पैरा SF रेड डेविल के नाम से जानी जाने वाली यूनिट सन 1761 में जन्मी थी और 1978 में पैरा SF में कन्वर्ट कर दी गई। 1 पैरा SF टैक्टिकल नीड्स एंड अर्बन वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड हैं। मेजर मोहित शर्मा ने भी 1 पैरा SF में सर्व किया था। 2 पैरा SF मौलिक रूप से 3rd बटालियन ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट्री की तरह सन 1797 में जन्मी थी और फिर 2000 में 2nd पैरा SF में बदल दी गई। ये फेमस है प्रीडेटर्स नाम से जो कि माउंटेन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म ऑप्स के लिए जाने जाते हैं। 3rd पैरा SF जाबाज 1st बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट को 2002 में स्पेशल फोर्स में तब्दील कर दिया गया। ये डेजर्ट वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड है। इन्हें रसल वाइपर्स नाम से भी जाना जाता है। 4 पैरा SF पैरा एयरबोर्न यूनिट जिसका जन्म 1961 में हुआ था, वो आगे चल के 2003 में स्पेशल फोर्स में कन्वर्ट कर दी गई। माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑप्स में माहिर हैं ये, और इन्हें डैगर्स नाम से भी जाना जाता है। 9 पैरा SF द माउंटेन रैट्स के नाम से जाने जाने वाली यूनिट जो कि मौलिक रूप से 9th पैराशूट कमांडो बटालियन के रूप में रेज हुई थी। 9th पैरा सबसे पुरानी स्पेशल फोर्स है जो कि माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में भी 9 पैरा SF का बड़ा योगदान था। 10th पैरा SF 9th पैरा SF की सिस्टर यूनिट के तौर पर रेज हुई यूनिट का जन्म सन 1967 में हुआ था। ये यूनिट डेजर्ट वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म में स्पेशलाइज्ड है। इन्हें डेजर्ट स्कॉर्पियंस के नाम से जाना जाता है। 11 पैरा SF 2011 में जन्मी यूनिट को वाइपर्स नाम से जाना जाता है। इस यूनिट की स्पेशलाइजेशन है जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। 12 पैरा SF डर्टी डजन्स के नाम से जानी जाने वाली यूनिट को SF में 2011 में कन्वर्ट किया गया था। ये यूनिट जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। 21 पैरा SF मूल रूप से 21 बटालियन ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट्री जिसे स्पेशल फोर्स में बदल दिया गया। काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, जंगल वॉरफेयर और माउंटेन वॉरफेयर में माहिर इस यूनिट को वागनाक्स नाम से भी जाना जाता है। पैराशूट रेजिमेंट की 2 टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन है जिनका नाम है 106 पैरा और 116 पैरा। साथ में ही 5 पैरा, 6 पैरा, 7 पैरा, 23 पैरा और 29 पैरा की यूनिट्स एयरबॉर्न असॉल्ट में भी ट्रेंड हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी पैरा SF के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।